नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कोई भी कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर तथा रिश्वत भी नहीं चलती। कर्म एक स्वतंत्र सत्ता है और जीव को प्राणियों को कर्म करने का स्वतंत्र हक है, और कर्म फल भी कर्म स्वभाव से ही प्राप्त होता है। अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही मिलेगा। इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कर्म वास्तव में क्या है और कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। कुछ वर्ष बाद राजा के घर एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकुमारी के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाया, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास गई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई, और डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य न कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी न करेगा। प्रातःकाल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है मेरे राजकुमार को? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी हैं, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, मैं तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी पत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य असह्य दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। उतने में ज्योतिषी वहां आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदनंतर वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण, देवता कैसे आना हुआ? आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है जो किसी से भी नहीं सहा जाता, और आप सहन कर लेते हैं, इसका कारण है, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई पुत्र शिष्य पिता गुरु संबंधी जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है,
बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज आपने क्या कर्म किया था? ज्योतिष ने कहा, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गद्दी थी। इसकी पीठ पर घाव था, घाव की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमज़ोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके घाव में चोंच मारकर इसे ज़्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीहत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। ये जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गाँव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर न निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई। परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुहक देती है, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहता हूँ। मैं इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। ज्योतिष ने इतना कहने के बाद बोला, अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, बल्कि आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। ब्राह्मण ने पूछा, किस प्रकार? ज्योतिष बोला, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या बकरा थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब बकरा को मारने लगा तब वह बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई बकरा तो नहीं गया है, परंतु आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा। अतः जिस तरफ बकरा गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर उस बकरा को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था, इतने में ही उस जंगल से शेर आया और बकरा एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और बकरा को राजकन्या का जन्म मिला, एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने बकरा को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो, कर्मफल का भोग टलता नहीं। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की क्षमता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस समत्व के अभ्यास को ही समत्व योग संबोधित करते हैं, जिसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे किए हुए कर्म का फल हमारा पीछा नहीं छोड़ती, अतः वह किसी न किसी तरह प्रयास हम तक ज़रूर पहुंचती हैं, चाहे वो किसी भी जन्म में हो, मिलती ज़रूर है। तो दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि उसका फल भी हमें अच्छा ही मिले। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।